नमस्कार दोस्तों, एनके स्टूडियो में आप सबका स्वागत है। सूरज यादव जी का सवाल, माइक सिटी उठाने हैं, सिटी रोकने के लिए कोई मशीन आती है क्या? तो दोस्तों, ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है। उससे पहले मैं, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले मैं आपको सबको दिल से थैंक यू कहना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों की प्यार की वजह से आज हमारे A1 के स्टूडियो परिवार में 50,000 सदस्य हो चुके हैं। तो उसके लिए बहुत सारे आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो देखते रहिए। मैं कुछ दिन से छुट्टी पे था, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इस वीडियो को, टाइम हो जाएगा। तो पहले बात है, माइक की सीटी उठाने के लिए, रोकने के लिए कोई मशीन आता है कि? बिल्कुल आता है भाई। और देखिए, पहले तो सबसे जो मेन चीज़ है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या आते हैं। बहुत सारे चीज़ आते हैं, जैसे कि आप लिमिटर लगा सकते हो, कंप्रेसर लगा सकते हो, इफेक्ट प्रोसेसर जो होते हैं वो भी एक तरह से बोल सकते हैं। तो मैं आपको कुछ इफेक्ट प्रोसेसर के बारे में बता देता हूँ। तो वो है, देखिए ये बहुत सारे आप अमेजोन में आपको मिल जाएंगे, तो जिसका लिंक मैं नीचे भी दे रहा हूँ, आप चाहे तो वहाँ से जाके उसको ले सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए, बहिंजर की फीडबैक 2496 डेस्ट्रॉयर के आता है, FBQ 1000 और FBQ 100 SAR, और DBX की आती है ये वाला एडवांस फीडबैक सप्रेशर प्रोसेसर। तो मेन चीज़ है, जो भी है आपकी मेन जो चीज़ प्रोसेसर आप बोला बोल जिसमें बोलते हैं, जो मैनेजमेंट सिस्टम होती है, तो ये वाले जो फीडबैक स्पेशल रहते हैं, फीडबैक डिस्ट्रॉयर और फीडबैक प्रोसेसर, तो देखिए ऐसे ही होते हैं फीडबैक डिस्ट्रॉयर्स। तो बहुत सारी कंपनी की आती हैं, DBX भी आती है, और ये एक ये वाली है महिंजर की, ठीक ठाक है। तो देखिए दोस्तों, इसमें मेन चीज़ क्या होती है, देखिए क्या क्या करते हैं इसमें, बहुत सारे चीज़ में देखिए आपको करना क्या होता है। इस टाइप की जो आपको मेनली क्या होती है, ये सीटी व्हिसिल होती क्या है, पहले वो आपको जानना जरूरी है। ये फ्रीक्वेंसी का खेल होता है, साउंड। अगर कोई सीटी का क्यों बजता है, अगर आपकी रेंज की बाहर की फ्रीक्वेंसी चली गई तो वहाँ पे आपकी सीटी बजने लगती है, बस वही है फीडबैक, और फीडबैक कुछ नहीं है। वो जो फीडबैक यानी बहुत अब वो रिटर्न आता है आपकी माइक्रोफोन में, वो आके रिटर्न होता रहता है, ऐसे घूमता रहता है, तो उसी को फीडबैक बोला जाता है। मतलब जो आप सपोज माइक्रो मतलब लाउड स्पीकर की ज़्यादा करीब चले गए, आप जो बात कर रहे हैं वो लाउड स्पीकर की बात फिर से आज आके आपकी माइक्रोफोन में घुस जाएगी, और फिर ऐसे चलता रहेगा चलता रहेगा। तो होता क्या है, वो एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी में वो व्हिसिल करता है, सीटी बज जाती है जब आप बहुत टाइम पे, क्यों होता है, एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पर वो सीटी बजती है। तो वही फ्रीक्वेंसी को अगर आपने कट कर दिया, यानी आप उसी टाइम पे सपोज जिस टाइम पे वो फ्रीक्वेंसी गया सीटी बजने की, मतलब हो फिर आपकी फ्रीक्वेंसी सपोज इस टाइम तक गया, वहाँ से आप अगर आप उसको ऑटोमेटिक फीडबैक रजिस्टर जो होता है आपने वहाँ पे आपको सेट करना है कि आपको 500 हर्ज की जो फ्रीक्वेंसी है वहाँ पे अगर जाता है तो मेरी वहाँ पे आपको करना क्या है, 12 dB कम कर देना है। तो जब भी वो वहाँ जाएगा तो वो ऑटोमेटिक वो डिस्ट्रॉय क्या करेगा, उसको पता चल जाएगा कि भाई इतने में आपको सीटी बज रहा है, तो वो उसको 12 dB जो है साउंड को कम कर दे, डीबी यानी साउंड जो होती है उसकी मेजरमेंट के लिए, तो वो 12 dB आपको माइनस कर देगा, ताकि जो सीटी आपकी जोर से जा रही है वो आपकी डाउन हो जाएगी। तो ऐसे करके आपकी फीडबैक डिस्ट्रॉय होती है। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका जो क्या है, कैसे आप करेंगे, उसका एक वीडियो मैंने बना रखा था, तो उसके बारे में भी बता देंगे थोड़ा सा। आप ये वीडियो देख लीजिए, इसका भी लिंक मैं दे दे रहा हूँ। ये एक माइक्रोफोन कंप्रेसर भी आता है सस्ते वाला, जो आता है आहूजा की ओर से, ये भी आप यूज़ कर सकते हो डायरेक्ट। इसका वीडियो भी आप देख लीजिए, आहूजा माइक्रोफोन कंप्रेसर MC 110। तो ये भी एक तरह से आप बोल सकते हो, इसकी भी वीडियो मैंने, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि हमने व्हाट इज़ ऑडियो फीडबैक प्रॉब्लम, स्पीकर सीटी क्यों मारती है, उसकी टिप एंड टिप्स भी हमने यहाँ, इसका भी अंदर भी एक वीडियो हमने डाल रखा है, तो आप चाहे तो वो भी वीडियो देख सकते हैं। तो मैं ये सारा वीडियो का लिंक आपको दे रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, और क्या कैसे ये कहाँ पे ये मिलेगा वो भी आपको, ये देखिए ये वाला MC 110 ये 1350 रुपये में आता है, तो ये कुछ हद तक आपको रोक लेता है। लेकिन आप फीडबैक को कैसे कम कर सकते हैं पहले से, तो बिना फीडबैक डस्टर लगाए, तो ये आपकी वीडियो, तो अगर सेटिंग आपने सही से कर लिया तो आपकी बल्ले बल्ले है, वरना सेटिंग ठीक से नहीं कर पाया तो आप कोई फायदा नहीं आपको लगाने के लिए। लेकिन एक चीज़ है, इनकी साथ आपको बाईपास की स्विच भी मिल जाती है। देखिए सपोज आपने यहाँ पे देखिए लास्ट में बाईपास है, यानी अगर इसको आप दबाएंगे तो टोटल जो आप देखिए इसको लगाना कैसे, मैं आपको पहले से थोड़ा दिखा देता हूँ, आपको उससे थोड़ा याद आ जाएगी। तो दोस्तों बहुत सिंपल है इसको लगाना, देखिए इससे इनपुट है,
और आउटपुट है, लेफ्ट इन इनपुट लेफ्ट आउटपुट दोनों, आप XLR पे भी लगा सकते हो और जैक पे भी लगा सकते हो। और आउटपुट देखिए लेफ्ट आउटपुट राइट आउटपुट, यानी इसमें करना क्या है, सिंपल सी बात है, ये सीरीज में ही लगेगा एक तरह से, आपने इधर दे दिया और यहाँ से ले लिया। तो मतलब आप जैसे DD3 लगाते हो उसमें क्या होती है, आपकी मिक्सर की जो आउटपुट आपने लाया है उसको आप इसमें इनपुट कर सकते हैं, उस मिक्सर का आउटपुट लेफ्ट आप यहाँ पे डालिए और यहाँ से आउट लेफ्ट का आउटपुट लेके आप क्रॉस ओवर या एम्पलीफायर पे डालिए। कुछ डेस्ट्रॉयर होते हैं जिसमें क्रॉस ओवर इनबिल्ड होते हैं, जैसे DBX की जो ड्राइवर रैक होते हैं उसमें क्रॉस ओवर इनबिल्ड होते हैं, और किसी में नहीं होते। तो आप इसको फीडबैक डेस्ट्रॉयर को लगाया, इसकी आउटपुट ले अगर आपने लिया लेफ्ट का आउटपुट लिया, फिर आपको इसको लेके आपकी जो भी इसमें इसके अंदर आपको बहुत सारे फैसिलिटी मिल जाते हैं, जैसे कि ग्राफिक्स इक्वलाइजर्स, पैरामेट्रिक इक्वलाइजर्स, डायनामिक इक्वलाइजर्स और फीडबैक डेस्ट्रॉयर, बहुत सारी फैसिलिटीज़ में आपको देखना है कि आपको कौन क्या क्या इसके अंदर मिलता है, तो वो सारा चीज़ मिल जाता है। तो आपको वो बाकी अलग से आपको नहीं लगाने की ज़रूरत नहीं होती ग्राफिक्स इक्वलाइजर, तो एक में आपको सारा चीज़ मिल जाते हैं, जैसे आपको उसी पर लिखा रहता है कि आपको क्या क्या इसमें मिल जाते हैं, जैसे कि ये है एडवांस फीडबैक सप्रेशर, तो इसके अंदर आपको लिखी रहती है कि इसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगी। ये देखिए 43,000 की आती है, तो इसमें फिल्टर्स भी लगे होते हैं, तो आपको वो चीज़ आपको देखना है उसके साथ आपको क्या क्या मिल जाते हैं, जिसमें ग्राफिक्स देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसमें ग्राफिक्स इक्वलाइजर भी है कुछ चीज़ें में, तो आप उसको पहले देख लीजिए, तो अलग से आपको ग्राफिक्स इक्वलाइजर सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो एक खरीदेंगे तो आपका सारा काम हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे आपको पैरामेट्रिक इक्वलाइजर की सेटिंग दी गई है, गेन कंट्रोल का है, फ्रीक्वेंसी लेफ्ट राइट सारा चीज़ यहाँ पे, फीडबैक डेस्ट्रॉय की आपको दी गई है, और यहाँ पे आपको चैनल 1 चैनल 2 का जो ग्राफिक्स इक्वलाइजर है 20 तक है, यहाँ पे 20 बैंड तक है, यहाँ पे 20, यहाँ पे भी 20 तक यहाँ पे दिख रही है। तो दोस्तों ऐसे ही आप सेटिंग इसकी करनी है, आपको आराम से सेटिंग आपको मिल जाएगी इसी सेटिंग। मेन जो चीज़ है आपको पहले से प्रिवेंट करना है, कैसे आपका फीडबैक ना आए, बड़े प्रोग्राम में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इतनी पैसा आप देके छोटे प्रोग्राम तो नहीं कर पाएंगे, बड़े प्रोग्राम में आप बड़े बड़े जो लाइव होते हैं उस पर आप इसको यूज़ कर सकते हो। छोटे प्रोग्राम के लिए आपके लिए बेहतर है अगर आप एक ही माइक्रोफोन यूज़ कर रहे हैं, तो ये आहुजा माइक्रोफोन कंप्रेसर है, इसी को आप यूज़ करके कुछ हद तक, मैं नहीं कह रहा हूँ कि इससे आपकी पूरी सिटी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन कुछ हद तक ज़रूर कम हो जाएगी। और बाकी आप ये वाला वीडियो देख लीजिए, सिटी क्यों मार रही है, उसको क्यों प्रिवेंट कर सकते हैं, तो पहले से आप प्रिवेंशन आपको ज़रूरी है। अब प्रॉब्लम आएगा तब हम सॉल्व करेंगे ऐसा नहीं, कैसे हम लोग सेटिंग करेंगे स्पीकर को तो उससे हमारी जो फीडबैक की प्रॉब्लम ही ना आए, तो ये बेस्ट होती है। तो दोस्तों ये चीज़ आप ध्यान पर रखेंगे तो ज़रूर आपकी दो चार वीडियो आप देख लीजिए एक साथ, तो आपको एक जनरल आइडिया हो जाएगी। और आप भी मेन अगर बड़े प्रोग्राम पे आप जा रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप फीडबैक टेस्टर ले, अगर प्रोग्राम इतना बड़ा कि 43,000 आप कहाँ से दे पाएंगे, यहाँ पे ये भी कोई कम नहीं है, ये भी आपको 20-25 हज़ार में मिलता है, 25,500। तो अगर आपकी ज़रूरत है तो तब जाके आप इसको लीजिए, बड़े प्रोग्राम जब आप बड़े पैमाने में प्रोग्राम करेंगे तब आपको चाहिए होगा, वरना छोटे छोटे प्रोग्राम के लिए मेरे ख्याल से आपको नहीं लेना चाहिए। जैसे ये 12,000 का है, इतनी भी आपको अगर ठीक से आपने सेटिंग नहीं किया तो उतनी इफेक्टिव भी नहीं रहता है, तो छोटे प्रोग्राम में आप इसको ना ही ले मेरे ख्याल से, क्योंकि देखिए भाई आप मैं आपकी पैसा बचाना चाहता हूँ, ऐसा नहीं कि आपको बोल लूँ भाई आप ले लो ले लो, आप बाद में आप लेके जाएंगे सर हमारा तो कोई काम नहीं बना, भाई काम बनेगा तब ना जब आप ठीक से इसको करोगे। देखिए ये वाला फीडबैक डेस्ट्रॉयर जिसमें आप क्लियरली पैरामेट्रिक क्यू, देखिए डेस्ट्रॉयर्स की क्या होती है, उसमें सेटिंग भी बाय डिफॉल्ट आपको मिल जाते हैं, उसमें आपको जैसे हमने बात किया कि फीडबैक डेस्ट्रॉयर्स में आपको पहले ग्राफिक्स इक्वलाइजर करना पड़ेगा, कुछ में पैरामेट्रिक इक्वलाइजर करना पड़ेगा, डायनेमिक कुछ इक्वलाइजर होती है, और फीडबैक डेस्ट्रॉयर्स होते हैं, किस किस में आपको इमेज मिल जाएंगी जिसको विड्थ बोला जाता है, आप उसमें क्या विड्थ जो या बोला जाता है या इमेजर जो बोला जाता है, उसमें आप कोई स्पीकर को मतलब स्पीकर से जो साउंड आ रहा है किस दिशा से आएगी, कौन सी स्पीकर से आएगी, बहुत सारा चीज़ आप सेट कर सकते हो लाइव पे, उसके ऊपर हम लोग कभी अच्छे से वीडियो बनाएंगे, आज बस इनकी सवाल का जवाब देना था। तो सवाल के जवाब से हाँ आती है, लेकिन अगर सही से आपने इस्तेमाल किया तो आपकी काम की, वरना पहले आप प्रिवेंशन आप ज़्यादा करिए अच्छे से, वो वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ तो वो भी आप देखिए, और वीडियो कैसा लगा और संडे में क्या कर रहे हो वो भाई कमेंट में से लिख दो, और अच्छे हैं।